Давайте я за... धर्म तेरा ही है, मेरा राष्ट्रवाद का रूप है वो धर्म से नहीं होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, सवर्ण हो, अल्पसंख्यक हो, अति पिछड़ा हो, वो सारे के सारे देशवासी हैं। और देश में जब भी कोई खतरा महसूस हो, हम लोग सारे लोग को मिलकर लड़ना चाहिए। अगर मुसलमान भाई अगर देश के लिए अच्छा काम करते हैं तो उनको भी हम लोग को नमन वंदन और अभिनंदन करना पड़ेगा, सलाम करना पड़ेगा। दलित और पिछड़ा भी काम करते हैं, उनको नमन वंदन और सलाम करना पड़ेगा। और सवर्ण क्लास यानी जो भी यहाँ के निवासी हैं देश के, अगर वो करना चाहते हैं, देश हित में कार्य कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं, तो उसकी सराहना होनी चाहिए। और आप लोग खासकर मीडिया बंधुओं से कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरा भी विगत कई वर्षों से मीडिया का ही अनुभव रहा है, मीडिया मैन में रहा हूँ, तो उसके नाते कहना चाहूँगा कि सार्वजनिक रूप से जो लॉ जाना चाहिए देश में, उस लॉ को ले जाना है कि जाति न धर्म और राष्ट्र सर्वोपरि है। बहुत बड़ी लौ जलानी है, ठीक है हम इकट्ठे हुए हैं, हमारी पार्टी नई पार्टी है, लेकिन बहुत बड़ा लड़ाई पूरे देश स्तर पर फैलाना है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जागो बिहार के वासियों, तुम्हारा शोषण हो रहा है, सोए कब तक रहोगे, माँ बहनों का चीरहरण हो रहा है, आज प्रतिदिन दर्जनों हत्याएं हो रही है। मैं भी छात्र राजनीति पटना यूनिवर्सिटी में था, अगिनत लड़ाई लड़ी लालू जी के खिलाफ, लालू जी चले गए भाई, जंगल राज का तो खात्मा हो गया, लेकिन आज क्या है, महाजंगल राज बिहार में है। हर लोग मीडिया कर्मी भी काम करने में सकुचा रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर है, तो इस चीज़ को भी मेरी आपकी जो दर्द है मेरी भी दर्द रही है, मैं भी अखबार नवीस रहा हूँ, इसलिए आप मेरी बातों को जनता तक पहुँचाएँ और नया बिहार हम बदलने चले हैं, यहाँ से हम एक क्रांति पैदा करेंगे। अभी हमारी एक सबसे अहम लड़ाई है पूरे देश के लिए कि सरकारी खजाने से जो वेतन ले रहे हैं वो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं। ऐसा नहीं करते हैं तो सरकारी कर्मचारी वो किस काम के हैं, टीचर क्यों है, नहीं तो सरकारी विद्यालय को बंद कर दीजिए। आप एक भी सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले जो टीचर हैं अपने बच्चे का सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे, उस विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे हैं। ये भाई हम पूछना चाहते हैं बिहारवासियों को कि चाहे किसी भी जात का गांव है, वहां अगर सरकारी विद्यालय है तो उस विद्यालय में कौन मतलब पढ़ता है बच्चा, उसी जात का बच्चा तो कौन पढ़ता है, गरीब दलित पीड़ित असहाय जो उसी का बच्चा सरकारी विद्यालय में भी बिहार का जो वर्तमान परिवेश है उसमें पढ़ रहा है, और उसके साथ आप इतना बड़ा नाइंसाफी करते हैं, उसका ध्यान नहीं देते हैं। तो सर्वप्रथम मतलब इस लड़ाई को हम इलाहाबाद से शुरू करने जा रहे हैं और इलाहाबाद मई से इस लड़ाई को लड़ेंगे, इलाहाबाद से हम चलेंगे, बनारस होते हुए बिहार आएंगे, बिहार